अगर आपकी वाइफ आपसे नाराज होके मायके चली गई है और वो आने का नाम ही नहीं ले रही, तो क्या करें? कैसे उसको वापस लेकर आए, कैसे उसको मनाए? क्योंकि आप सॉरी बहुत बार बोल चुके हैं और उसको समझ नहीं आ रहा, वो फिर भी गुस्से में है, तो कैसे उसको गुस्सा ठंडा करें? अगर आप इसी दुविधा में है, इसी कश्मकश में है, तो आज मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, मैनी टाइम ऐसा होता है कि जो औरतें होती हैं ना, वो मुंह फुला के अपने मायके पहुंच जाती है। आपका कोई झगड़ा हुआ, कोई आर्ग्यू है, वो चली गई मायके। अब आप बुला रहे हो, आप प्यार दिखा रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, बोल रहे हो कि यार गलती हो गई, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, आ जा, अब नहीं होगी ये गलती। लेकिन वो तो वो है, मानने को राजी नहीं है, नहीं समझ रही आपकी बात, नहीं समझ रही हो, मना कर दिया, नहीं आती तो नहीं आती। अब ऐसे में आप क्या करो? क्योंकि एक इंसान सॉरी तो बोल सकता है ना, इससे ज्यादा क्या करेगा? तो देखो, सबसे पहले तो आप ये करो कि गिव हर सम टाइम। आप क्या करते हैं कि वो मायके गई रूट के और आप पीछे पीछे पहुंच जाते हैं कॉल करने के लिए, आप कॉल और मैसेज लगे हुए हैं करने के लिए। डोंट डू दिस। जब एक इंसान नाराज होता है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम दो। वक्त के साथ में वो थोड़ा समझ पाता है कि वो कहाँ सही कहाँ गलत, वो टाइम देना जरूरी है। तो कुछ नहीं तो कम से कम एक हफ्ते का, 10 दिन का आप टाइम लीजिए। एकदम पीछे पड़ के बावरे मत हो जाइए, यार मैं लेने आ जाऊं, यार सॉरी, कॉल कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। डोंट डू दिस। जितना आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उतना ज्यादा वो आप पे गुस्सा होगी। ये काम नहीं करना है। तो गिव सम टाइम, थोड़ा सा स्पेस दीजिए उसको, अकेले रहने दीजिए, ताकि वो समझ पाए, कैलकुलेट कर पाए। बट बहुत ज्यादा टाइम मत देना, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन बहुत हो गए। इस बीच में आप बस एक बहुत हुआ तो एक सॉरी का मैसेज या एक बार कॉल करके सॉरी बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं। अब बहुत लंबा टाइम हुआ, सामने से कोई कॉल या मैसेज नहीं आएगा क्योंकि नाराज है, तो फिर आप अपने तरफ से, क्योंकि आपने काफी गैप दिया है, अपने तरफ से समझाना शुरू करो। अब क्योंकि आप एक लंबा टाइम दे चुके हो, वो अकेले बहुत कुछ सोच समझ चुकी है, अब आपको क्या करना है? अब आपको समझाना है कि यार ठीक है, जो जो मैंने गलतियां की, वो जब भी आपकी कोई गलती गिनवाए कि यार तुमने ऐसे किया था, तो उस चीज के बारे में अपनी सफाई दो कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई थी, आई एम सॉरी। अगर वो काम आपने नहीं किया तो बोलो कि यार नहीं, मैंने नहीं किया, बट ठीक है, अगर मैंने किया भी था तो मैंने तुझे हर्ट करने के लिए नहीं किया था, आगे से नहीं होगा। तो चीजों को बैलेंस करते हुए हर एक क्वेश्चन का आंसर दो। वो आपसे बहुत सवाल करेगी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुमने मुझे ऐसे हर्ट किया। उन चीजों के लिए आपको सॉरी भी होना है, जहां पर आप सॉरी नहीं फील कर रहे उसको प्यार से समझाना है, गुस्से में नहीं समझाना, प्यार से समझाना है और बोलना है कि हाँ मैंने वो किया था, लेकिन तुझे हर्ट करने के इरादे से नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि तू हर्ट हो जाएगी, बट आगे से मैं ध्यान रखूंगा यार, इस बार सॉरी, आगे से मैं सोचूंगा कि ऐसी चीजें ना करें, मैं ध्यान रखूंगा, प्लीज आ जा। तो वो चीजें आप ऐसे मेंशन करें। इसके साथ ही एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि मेनी टाइम जब आप अपने पार्टनर को मनाते हैं ना, तो सॉरी भी बोल रहे होते हैं और उसकी गलती भी गिनवा रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उसकी गलती नहीं है, उसकी भी गलती होगी, कोई भी रिश्ता किसी एक की वजह से नहीं बिगड़ता, तो गलती उसकी भी है। बट क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज है और आप उसे वापस लेकर आना चाहते हैं, तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर आप उसकी गलती मत गिनवाइए। ये मत कीजिए कि आप उसको सॉरी बोल रहे हैं और फिर कह रहे हैं यार तू कौन दुखी हुई है, तू भी तो ऐसा करती है, मैं कुछ बोलता हूँ क्या, मैं भी तो नहीं बोलता। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो ये मानकर बैठी है कि तुम्हारी गलती है, मेरी तो कोई है ही नहीं। ऐसे में आप गलतियां गिनवाओगे तो उसका गुस्सा और ज्यादा हावी होगा, उसको ये लगेगा कि आप सॉरी नहीं है, आपका सॉरी उसके दिल तक नहीं पहुंच पाएगा, वो उस सॉरी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि सब दिखावा है। क्योंकि जो सॉरी बोलता है उसका बिहेवियर में दिखता है ना, सॉरी बोलने वाला इंसान कैसे किसी को गलत बोलेगा। तो ये आपकी चीजें आपके ही अगेंस्ट हो जाती हैं जब आप सामने वाले के अंदर कमियां निकालते हैं। कमियां हैं उसमें, बट अभी वो उस मूड में नहीं है, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में नहीं है जहां अपनी गलती समझे, क्योंकि वो गुस्से में है। इस समय आपको उसकी कोई भी गलती नहीं गिनवानी है, चाहे वो गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। होप यू आर गेटिंग। अब बात आती है कि क्या करें इसके बाद। आपने टाइम भी दे दिया, सॉरी भी बोल दिया, उसके क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिया, सब कर दिया,
तो ये सब चीजें कुछ टाइम तक चलने दो, 10-15 दिन या 1 महीने ही चल से चलने दो। फोन पर बात कर रहे हो, कभी आपने मैसेज कर दिया, कभी उसने नहीं उठाया, तो ये चीजें आपके फोन पर उसका गुस्सा निकलने दो आपके ऊपर। एक बार फोन पर उसका गुस्सा उतर गया तो वक्त के साथ में वो कितना भी गुस्सा क्यों नहीं कर रही है, अंदर से ठंडी होती चली जाएगी, क्योंकि वाइफ है, काफी टाइम से वो आपसे अलग रह रही है, तो बहुत लंबा टाइम उसको हो चुका है। इसके बाद जो तीसरी चीज आपको करनी है कि आपको बिना बताए उसके घर पहुंचना ही पहुंचना है। देखिए ये चीज ध्यान रखिए, मैनी टाइम क्या करते हैं, लड़के पूछते हैं मैं लेने आ जाऊं, वो गुस्से में है भाई, वो क्यों कहेगी लेने आ जाओ, वो तो कहेगी नहीं ना, तो आपको पूछना नहीं है। और वो आपका ससुराल है, वो आपका उतना ही है अपना जितना कि आपका घर उस लड़की का है, तो वो ससुराल आपका ही घर है। अपने घर में जाने से पहले परमिशन की जरूरत क्या है आपको, आप अपनी वाइफ को लेने के लिए अपने घर जा रहे हैं, परमिशन कैसी, पूछना कैसा और बताना कैसा। तो इस चीज में शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए या बिना पूछे चला जाऊंगा तो कैसा लगेगा, या कोई मार के नहीं मंगाने वाली है वो आपको, सिर्फ नाराज है। और जब आप बिना बताए उसके घर में उसके सामने पहुंच जाएंगे ना, तो समवेयर एक फील उसको आएगा कि यार हाय मेरा पति कितना प्यार करता है, तो एक पॉजिटिव साइन होगा उसके लिए जब आप घर पे जाएंगे, है ना। और घर पर जाके जब आपको सामने से देखेगी ना तो बात कुछ और होगी, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं तो आ गया बहुत हो गया तू मान जा, ऐसे नहीं होता। जाकर आप थोड़ा सा होपफुली कि इतना कोई नेगेटिव रिस्पांस किसी का नहीं आने वाला है, आपके सासू थोड़े नाराज होंगे, क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर दे दीजिए, खत्म कीजिए उन चीजों को, वो ठंडे हो जाएंगे, वो मान जाएंगे आपको देखकर। आपको थोड़ा सा पर्सनल टाइम स्पेंड करना है अपनी वाइफ के साथ में, सबके सामने बात करने से नहीं होता कुछ, वहां पर रुकिए अपनी वाइफ के साथ में, एक रात स्पेंड करके आइए, एक दिन स्पेंड करके आइए और समझाइए उसको, बोलिए कि आपके मन में क्या क्या है, आप कन्विंस कीजिए प्यार से। और जब आपकी वाइफ आपको देखेगी कि यार मेरा पति कितना प्यार करता है, मेरे बिना कितना तड़प रहा है, कितना मिस कर रहा है, यहाँ तक आ गया मुझे लेने के लिए, ये चीजें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है सामने वाले पर, आपकी वाइफ पर, इनफैक्ट वाइफ के फैमिली पर भी, उनको भी दिख रहा है कि दामाद लेने के लिए आया मेरी बेटी को, सॉरी बोल रहा है, मना रहा है, तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है सामने वाली फैमिली पर। और वहां पर जो चीजें आपने अभी फोन पर करी हैं कि उसकी प्रॉब्लम्स हैं और आप बोल रहे हो सॉरी यार मैं हैंडल कर दूंगा, या मैं मना लूंगा फैमिली को, या ये कर दूंगा, जो भी आपकी फोन पर कॉन्वर्सेशन थी, वो अगेन दोबारा से फेस टू फेस जरूर होगी, वो दोबारा से आपको ब्लेम करेगी, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो। तो फेस टू फेस दोबारा से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, कुछ दिक्कतें उसको आपके साथ में होंगी, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर जाना। अगर उसे कोई दिक्कत है कि आपकी कोई जॉब है जिसके वजह से आप बाहर रहते हो और बाहर घर पे नहीं आ पाते, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, यार अभी नहीं है मैं कुछ टाइम बाद ऐसा सॉल्यूशन निकालूंगा अभी चलो। तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास, तभी वो आएगी। तो मिलकर जब आप उसको समझाएंगे, प्यार दिखाएंगे, केयर दिखाएंगे, सॉल्यूशन देंगे और ये बोलेंगे कि यार बस लास्ट टाइम मुझे एक चांस चाहिए, और आपकी आंखों में जब उसे अपने लिए प्यार दिखेगा तो वाइफ है वो मानेगी ही मानेगी। बट सॉल्यूशन आपके साथ में हो, प्यार आपके दिल में हो, सॉरी आपकी जुबान पर हो, तभी ये चीजें हैंडल होंगी। इसके साथ में एक और चीज कहना चाहूंगी कि देखिए हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं जाऊंगा तो मैं नीचा हो जाऊंगा, मैं झुक जाऊंगा, फिर तो मेरे सर पे बैठ के तांडव करेगी, तो देखिए ऐसा नहीं होता। रिश्ते में कभी आपको झुकना पड़ता है, कभी उसको झुकना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मानने को राजी ही नहीं है, चीजें ज्यादा बिगड़ सकती हैं या बिगड़ने लगी हैं, तो झुकने में कुछ नहीं जा रहा, वो बाहर वाली नहीं है, वो आपकी घर वाली है, एग्जैक्टली घर वाली ही है। और रही उसकी कमियों की बात, तो एक बार रिश्ता ठीक हो जाए फिर आप प्यार से उसको भी मोल्ड कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि यार ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, प्लीज इसको चेंज करो। तो जब एक वाइफ आपके साथ में हैप्पी है, खुश है, तो वो आपकी बातें भी सुनेगी, अपनी गलती भी मानेगी, अपने आप को इम्प्रूव भी करेगी। बट उसके लिए जरूरी है उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, तब आप अपने तरफ से अपनी शिकायतें गिनवा सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। सो अगर आप इस तरीके से अपनी वाइफ को, जो मायके चली गई है रूट के, इस तरीके से उसे डील करें तो वो आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ
आपसे विदा लेती हूँ, बट इससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ जो कि पेड हो। नाउ मुझे विदा दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।